हरे कृष्ण दोस्तों, ये जो पेंटिंग मैं बना रही हूँ इनको भला कौन नहीं जानता है, ये हैं जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। इस पेंटिंगों को बनाते वक्त मेरी मम्मा ने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था और उसी पेंटिंग के वीडियो को मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो क्यों ना वीडियो को देखते देखते हम थोड़ा सा प्रभुपाद के बारे में जान लें। इस्कॉन यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो पूरी दुनिया के प्रसिद्ध ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, जिसके 600 से भी ज़्यादा सेंटर्स हैं पूरी दुनिया में। उसी सेंटर के फाउंडर आचार्य हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। उन्होंने पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण के वाणी का प्रचार किया है, 108 मंदिर बनवाए हैं। 1965 में 69 वर्ष की उम्र में वे पहली बार अमेरिका गए थे, वो भी 40 रुपये लेकर, जबकि उनके पास खाने का पैसा नहीं था या प्रचार करने का भी कोई सुविधा नहीं था। 32 दिन तक उन्होंने जहाज़ में अपना सफ़र तय किया और उसी दौरान उनको 2 हार्ट अटैक्स भी आए थे, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उस वक्त अमेरिका में वॉर चल रहा था, इसीलिए वहाँ पे हिप्पीज आ गए थे। वो बिना वस्त्र के इधर उधर घूमते थे, वो हर वक्त नशे में रहते थे, इसीलिए अमेरिका की सरकार भी उनसे बहुत परेशान थी। ये बात प्रभुपाद को समझ आ चुकी थी कि अगर अमेरिका में कुछ बदलाव लाना है तो पहले हिप्पीज को सुधारनी पड़ेगी। हिप्पीज ने प्रभुपाद को बहुत परेशान किया, वो फिर भी उन पे कभी गुस्सा नहीं किए, उनका ध्यान रखते थे, वो उनको खाना बना के देते थे, भगवद गीता सुनाते थे। फिर धीरे धीरे हिप्पीज प्रभुपाद की बात समझने लगे, उनके साथ कीर्तन करने लगे, भगवद गीता पढ़ने लगे, भगवान की सेवा करने लगे और इसी तरह वो धीरे धीरे बदलने लगे। प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में कृष्ण भावना का प्रचार इसी तरह से किया था। जय श्री प्रभुपाद, हरे कृष्ण।